दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपके वीडियोज पर बहुत कम व्यूज आते हैं, और अगर आपका चैनल नया है, आप एक नए क्रिएटर हो, तब तो आपके बिल्कुल ही व्यूज नहीं आते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने वीडियो को गलत टाइम पर पोस्ट करते हो, गलत टाइम पर पब्लिक करते हो। चलो मान लेते हैं कि आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हैं और वो सभी दिन के 11 बजे यूट्यूब पर ऑनलाइन रहते हैं। ऐसे में जब आप दिन के 11 बजे अपने वीडियो को पोस्ट करोगे, पब्लिक करोगे, तो क्या होगा कि सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा और जो कि वो सब एक्टिव हैं तो तुरंत उस पर क्लिक करेंगे, और ऐसे में आपका जो वीडियो होगा वो व्यूज भी बहुत आएंगे और वायरल भी हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप हमेशा गलत टाइम पर वीडियो को पब्लिक करते हो और फिर बोलते हो कि भाई साहब व्यूज नहीं आते हैं, कैसे आएगा? अगर मैं यूट्यूब पर अभी एक्टिव रहूंगा तभी ना मैं आपके वीडियो को देखूंगा, और जब नहीं रहूंगा तो नहीं देखूंगा, और बाद में मान लेते हैं मुझे नोटिफिकेशन गया तो वो बाद की बात है, मेरा मन होगा तब देखने का तो देखूंगा, नहीं तो नहीं भी देखूंगा। और चूंकि आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको तो हमेशा अपने पब्लिक को देख के वीडियो पोस्ट करना चाहिए। अब ऐसे में आप बोलोगे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे ऑडियंस कब यूट्यूब पर एक्टिव है? तो आप आज इस वीडियो को पूरा देख लो, आप बिल्कुल समझ जाओगे और अच्छे से आप कर भी लोगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके ऑडियंस कब कब अपने यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं, और तभी आप अपने वीडियो को पोस्ट करोगे और आपका जो वीडियो है वो वायरल हो जाएगा। तो चलो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लो और देखना आपके वीडियोज पर व्यूज कैसे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है वो YT स्टूडियो में, यानी कि आपके फोन में ही है। तो चलिए मैं भी अपना फोन ले लेता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई देगा और मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये YT स्टूडियो में आप देख सकते हो कि कब कब कौन ऑनलाइन है। तो चलिए हम अपना YT स्टूडियो को ओपन करते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रहा YT स्टूडियो। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले ऐसा डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा ऊपर में व्यू मोड, ठीक है। यहां पर आपको इस व्यू मोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पर जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन पे। यहाँ पर क्लिक करोगे और नीचे आपको स्लाइड करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे देखो कि कौन कौन आपके वीडियो को देखता है। सबसे पहले आप इस पर ध्यान दो, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 13 से 17 ईयर के जो लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बहुत कम देखते हैं, 1%। बाकी 18 से 24, 25 से 34 और 35 से 44 ईयर, ये तीनों जो है सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये तो मैं जान गया। अब नीचे देखो, यहाँ पर मेल है 67% और फीमेल है 32%, यानी 32% जो है वो महिलाएँ देखती है मेरे वीडियोज़ को। अब यहाँ पर अब इसको आपको कुछ नहीं देखना है, अब सबसे आपको यहाँ ऊपर आना है, ठीक है। और यहाँ पर अब देखो, आप मैं यहाँ इसको ऊपर करता हूँ, When your viewers are on YouTube, मतलब ये हुआ कि आपके जो व्यूअर हैं वो कब YouTube पर एक्टिव हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे सीधे। अब देखो यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पर रात का 24 बजे यानी कि रात के 1 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक का डिटेल इसमें दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ ऊपर देखो आप, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, हर एक 7 दिन का यहाँ पर डेटा दिया गया है, वो ये पिछले 28 दिन का डेटा रहता है। आपको यहाँ पर देखना है कि आपके ऑडियंस कब कब एक्टिव हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो उजला लाइन है जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वो टाइम है जब मेरे ऑडियंस बिल्कुल ही एक्टिव नहीं रहते हैं। उसके नीचे चलो, आपको दिखाई देगा कि सबसे जो डार्क लाइन है, जैसे कि ये हुआ इस जगह पे, ये इस टाइम पे जो है ये मेरे ऑडियंस हमेशा एक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑडियंस मेरे एक्टिव होते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देखो, अब जब आप लोग इसको यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक इसको काउंट करोगे, ठीक है, तो आपको ये 24 हो जाएंगे टोटल, 24 यानी कि 24 अलग अलग घंटे। अब आपको यहाँ पर देखना क्या होता है कि देखो, यहाँ पर आपको ये देखिए, ये रात के 1 बजे का यानी 23:59 यानी कि 24 बजे का है, रात के 12 बजे का। 12 बजे क्या होता है, लगभग ऑडियंस, कुछ ऑडियंस एक्टिव रहते हैं, तो ये हल्का सा डार्क है। उसके बाद चलिए, रात के 1 बजे के बाद यहाँ पूरा पूरी सन्नाटा है, यानी कि कोई ऑडियंस एक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए आपको क्या करना होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आज जो है ये वेडनेसडे है, ठीक है। अब मुझे आज वीडियो पोस्ट करना है और मैं अपने चैनल का देखूंगा कि मैं कब वीडियो पोस्ट कर सकता हूं। देखो यहां पर वेडनेसडे कहां पर है, यहां पर है वेडनेसडे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैं कब वीडियो पोस्ट कर सकता हूं, ये देखो, यहां पर वेडनेसडे को देखिए, मेरे जो ऑडियंस है वो 3 टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कब कब, एक देखिए यहाँ पर, दूसरा देखिए यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर।
अब ये कब कब का टाइम है ये देख लो। पहला जो टाइम है, आप जब इसको अलग अलग भाग में बांटोगे तो देखोगे कि ये जो है, ये चूंकि 24 है, ये चार अलग अलग भाग में है, तो ये आपको 6 बजे सुबह तक का है, ठीक है। उसके बाद देखो 7, 8, 9, ये 12 हो गया, ये 12 बजे दिन का है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, यानी कि आज मैं अगर 4 बजे शाम में वीडियो पोस्ट करूं तो मेरे ज़्यादातर जो व्यूअर हैं वो एक्टिव मिलेंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद देखो 8 बजे रात को अगर मैं वीडियो पोस्ट करूं तो मेरे जो व्यूअर हैं वो एक्टिव रहेंगे, और उसके बाद जो है वो 11 बजे रात को, यानी कि 3 टाइम मुझे मिला। कब कब मिला? 1 4 बजे शाम को, ठीक है, उसके बाद 1 8 बजे रात को, और उसके बाद जो है वो 11 बजे रात को। ये 3 टाइम है जब मेरे जो व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं यूट्यूब पर। और उस टाइम पे अगर मैं वीडियो पोस्ट करूँ, वीडियो को पब्लिक करूँ, तो क्या होगा कि व्यूज जो है वो आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ, आप भी क्या करो, अपने चैनल पर अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आप पहले चेक करो कि आपका सब्सक्राइबर है वो कब एक्टिव रहता है। पिछले 28 दिन का एनालिटिक्स निकालो और आज का जो दिन होगा उस दिन के हिसाब से आप जो है अपने उस टाइम पर वहाँ पर उसको पोस्ट करो। एक और चीज़ याद रहे, अभी आपका चैनल नया है तो अभी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन याद रहे जब आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तब आप एक टाइम चूज कर लेना कि हाँ इस टाइम को मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो करूँगा, और तब जो है आपके सब्सक्राइबर वेट में रहेंगे कि हाँ इस टाइम पर इनका वीडियो आ जाता है, तब आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आप इस चीज को देखो और तब जो है अपने टाइम के हिसाब से वीडियो को पब्लिक करो, देखो आपके वीडियोज पर कितने सारे व्यूज आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आप लोग को बहुत ही अच्छी लगेगी और साथ में आपको बहुत यूजफुल होगी, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके चैनल के लिए फायदा करेगा। तो बस ऐसे करके आप वीडियो अपलोड करिए, आपके वीडियो पर व्यूज आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा उसकी पूजा कर लीजिए, और हाँ उसके बगल में घंटी रखी होगी उसको बजाते हुए आशीर्वाद ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।